हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे का डाउट आ रहा है कि सर नीट 2021 के लिए प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम लोग, वो ओनली 10 इयर्स का करें या कंप्लीट 33 इयर्स का करना है। तो देखो, ये कम्प्लीटली आपके टाइम अवेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपके पास अभी कितना टाइम है, आप क्या प्रिपेयर कर चुके हो। अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग टाइम है। अभी कोई अपना सिलेबस फिनिश कर चुका है, कोई अभी करने वाला है, किसी को और कुछ दिन टाइम लगेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना। अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है तो आप 33 इयर्स को करो, अगर आपके पास सफिशियंट टाइम नहीं है तो आप लास्ट 10 इयर्स का करो। लेकिन पहले लास्ट 10 ईयर का 3 टाइम्स आप एटलीस्ट करो। सिर्फ एक बार प्रीवियस ईयर लास्ट क्वेश्चन कर लेने से नहीं होगा, कम से कम आपको 3 बार करना है। तो अगर आप 3 टाइम्स कर चुके हो लास्ट 10 ईयर, तो आप 33 इयर्स को जंप करो वहाँ पे, ठीक है। और मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि जब भी ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है तो क्वेश्चन पेपर का लेवल काफ़ी ईजी हो जाता है। आप प्रीवियस ईयर लास्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पर आप देखना कि 2020 से पहले जो क्वेश्चन आया है और 2020 में जो क्वेश्चन आया था, इसमें काफ़ी डिफरेंस था। तो सिमिलरली इस बार का भी जो क्वेश्चन पेपर एक्सपेक्टेड लेवल है वो इजी ही होगा, ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, काफ़ी इजी होने वाला है। तो अब ये आप खुद थिंक कर लो कि आपके पास कितने टाइम का अवेबिलिटी है और आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो।